नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि जो साइक्लोन आते हैं आपके, उनके नाम कैसे रखे जाते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा चैनल एग्जाम सभा, जहाँ पर आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप इसी तरह के और वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जो लिंक दी गई है उन पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियोज को देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो आपका एक साइक्लोन का टाइप होता है। और आपके साइक्लोन जो है दो तरह के होते हैं, पहला होता है टेम्परेट साइक्लोन, दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो आपका जो इक्वेटर है उसके ऊपर जो कैंसर और जो आपका नीचे जो आपका कैप्रिकॉर्न है उसके बीच में आता रहता है ये, तो इसके आधार पे जो है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को बांटते हैं तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उनको अलग बोल सकते हैं। और दूसरा आपका है सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो दो तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो साइक्लोन आते हैं उनका जो नाम रखा जाता है उसके लिए अलग अलग आपके डिपार्टमेंट हैं। तो जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ईस्टर्न पैसिफिक में आएगा उसका नाम जो है यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर रखता है। इसी तरह आपका सेंट्रल अगर पैसिफिक में आता है तो उसका नाम जो है यूएस सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर रखता है। इसी तरह से अगर कोई आपका साइक्लोन वेस्टर्न पैसिफिक में आता है तो उसका नाम जो है जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी रखता है, जिसको पगासा बोलते हैं। और अगर आपका नॉर्थ इंडियन ओशन में आता है जिसको हम हिंद महासागर भी बोलते हैं तो उसका नाम जो है इंडिया का जो आईएमडी है जिसको इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आईएमडी बोलते हैं, वो जो है आपका नाम रखता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमको याद रखना है कि नॉर्थ इंडियन जो ओशन है उसमें जो भी साइक्लोन आते हैं उनका नाम जो है भारत का जो आईएमडी है यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो रखता है। और ये कौन कौन से एरिया में आता है ये देख लेते हैं। तो 100 डिग्री ईस्ट से लेके 45 डिग्री ईस्ट तक ये आपका जो है लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड की बात करें तो ईस्ट इक्वेटर के जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे जितना भी आपका जो हिंद महासागर है या जो आपका आपका जो इंडियन ओशियन है उसमें जो भी साइक्लोन आते हैं उनका नाम जो है आईएमडी रखता है। तो हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जानना, बाकी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है इस टेबल को देख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। इसमें आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी कई सारे पोर्शन दे रखे हैं, उनके नाम रखने के लिए अलग अलग बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उनका नाम हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है। तो 45 डिग्री ईस्ट जो आपका लॉन्गिट्यूड है वहाँ से 100 डिग्री ईस्ट तक। और फिर अगर बात करें कि इसका लैटिट्यूड कहां से कहां तक है तो आपका इक्वेटर के ऊपर जो भी आता है वो आपका है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इस रेंज में जितने भी आपके साइक्लोन आते हैं उनका नाम जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रखता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में। अगर आपको इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो साइक्लोन की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी आपका जो इंटेंसिफाइड अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा है जो 3 मिनट से ज्यादा अगर सस्टेन कर रहा है तो उसको जो है साइक्लोन का दर्जा ही दिया जाता है। और इसके लिए एक स्पीड भी निर्धारित की गई है 39 माइल पर आवर या फिर 63 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई ज्यादा स्पीड का अगर आपका हवाएं चल रही हैं तो उसको जो है साइक्लोन का दर्जा दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां से भी कुछ कुछ साइक्लोन चल के आपके इंडियन ओशन में आते हैं तो उनका नाम तो वही रहता है, यानी कि अगर वो आपका वेस्टर्न पैसिफिक से आ रहे हैं या किसी और ओशन से आ रहे हैं तो उनका नाम जो है उसके आधार पे ही रहता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर वो वेस्टर्न पैसिफिक में ओरिजिनेट हो और बाद में ठंडा पड़ जाए और बाद में फिर वो आके इंडियन ओशन में इंटेंसिफाई हो जाए तो उस कंडीशन में उसका नाम जो है नया रखा जाता है। अब जो ये नाम रखा जाता है उसके लिए एक पैटर्न है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अभी हाल ही में जो आपका साइक्लोन अम्फान आया था जिसने आपका वेस्ट बंगाल में काफी तबाही लाई थी वो जो है 2004 में एक लिस्ट बनाई गई थी,
उसका आखिरी नाम था। तो एक लिस्ट बनाई गई थी 2004 में, उसके आधार पे तूफानों के नाम, साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं। तो वो लिस्ट जो है आपकी 2020 में जो है एग्जॉस्टेड हो गई है। उसका लास्ट नाम था साइक्लोन अम्फान, जो हम आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो लिस्ट है जो आपकी 2004 में बनाई गई थी और ये जो है आपकी 2020 तक वैलिड थी। और इसमें कई सारे तूफानों के नाम, कई सारे साइक्लोन के नाम दिए गए हैं। और इसके जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने जो है इनके नाम दिए हुए हैं, और हर कंट्री ने 8-8 नाम दिए हैं। यानी कि 8 कंट्रीज ने अगर हर ने 8-8 नाम दिए हैं तो टोटल 64 जो है नाम आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2004 से 2020 के बीच में करीब 64 जो है आपके साइक्लोन आए हुए हैं इंडियन ओशन में, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में। इनके नाम देख सकते हैं आप, बांग्लादेश का जैसे ओनील, फिर आपका अग्नी, निशा, विरी, हेलेन, छपला, तो इस तरह कई नाम दिए गए हैं। इंडिया में देख लेते हैं तो इंडिया ने अग्नि रखा है नाम, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर और वायु। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हाल ही में जो तूफान आए थे, जो साइक्लोन आए थे, उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हाल ही में आपका जो फानी आया था वो बांग्लादेश ने उसका नाम रखा था, फिर आपका वायु जो है इंडिया ने रखा था, फिर हिक्का आया था उसका नाम मालदीव ने रखा था, क्यार आया था आपका, फिर महा आया था, बुलबुल जो आपका आया था उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था, फिर आपका पवन जो है उसका नाम श्रीलंका ने रखा था, और एक तितली आया था उसका नाम इंडिया ने रखा था, सॉरी उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। तो इस तरह से जो है ये नाम जो थे, और इसका जो लास्ट नाम है जो अम्फान है, वो अभी हाल ही में आपका जो है वेस्ट बंगाल में आया, और इसका नाम जो है थाईलैंड ने दिया था। तो यहाँ पे ये लिस्ट जो है खत्म हो जाती है। तो जब ये लिस्ट खत्म हो गई तब एक नई लिस्ट आई है जो आपका 2020 में IMD के द्वारा जारी की गई है, और इसमें आपके टोटल 169 नाम है, यानी कि 169 नाम है। तो देख लेते हैं कि वो नाम कौन कौन से हैं। तो ये लिस्ट जो आपकी 2020 में आई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लिस्ट में आपके टोटल 13 कंट्रीज है, 13 देश हैं। बांग्लादेश भी है, इंडिया है, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। तो पहले 8 मेंबर थे, अब 5 और ऐड हो गए तो टोटल 13 हो गए। और हर जो कंट्री ने 13 नाम दिए हैं तो 13 में अगर 13 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 169 नाम हो जाएंगे। ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको इतना दिखा देता हूँ कि अभी जो हाल ही में आपका तूफान आया है अम्फान के बाद, उसका नाम है निसर्ग। तो निसर्ग जो आपका तूफान आया है उसने महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट को हिट किया है, तो ये इस लिस्ट का पहला नाम है, और ये जो है बांग्लादेश ने दिया है। अब इसके बाद जो भी तूफान आएंगे उनके नाम रहेंगे गति, निवर, बुरेवी, तौताए, यास, गुलाब, शाहीन, जवाद, अस्नी, सितरंग, मंदोस और मोचा। तो ये जो है 13 नाम स्टार्टिंग के रहेंगे, और उसके बाद से ये जो लिस्ट है ये चलती जाएगी। और ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपके लिए करीब जो है 30-32 साल की जो है आपकी छुट्टी हो गई, मतलब 30-32 साल के लिए ये नाम जो है काफ़ी हैं। और इस लिस्ट का जो नाम लास्ट नाम है उसका नाम है समहार, और ये जो है नाम 13 कंट्रीज ने दिए हैं और हर कंट्री ने 13 नाम दिए हैं। तो आप जो है इस लिस्ट को एक बार देख सकते हैं, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम जो आपको आने वाले जो है फ्यूचर में दिखाई देंगे, जो आपको लाइन से दिखाई दे रहे हैं, तो इंडिया जो है गति नाम देगा, उसके बाद तेज नाम देगा, और फिर इस तरह कई नाम जो है इंडिया देने वाला है आने वाले साइक्लोन को। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि साइक्लोन के नाम कैसे दिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एग्जाम सभा को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। खत्म हो गया। शुभ रात्रि।